तो हेलो एवरीवन, चैनल आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग, आज रिलीज हो चुकी है रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी, यानी कि आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह की ये फिल्म है नई नवेली दुल्हन की तरह आ चुकी है। करण जौहर ने इसे बनाया है संजय लीला भंसाली के स्टाइल में, लार्ज एंड लाइट। लाइक करण जौहर का ये जोन है कि बड़े बड़ा महल, बड़े बड़े पैसे, इस तरह की फिल्म बनाना जिसे आसमान की परियां भी देख कर शर्मा जाए, ऐसे फिल्म है ये। लाइक इसके अंदर इतना पैसा फूका गया है कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि आज पूरी शिपा नदी शायद दूसरी। लाइक बहुत बड़ी फिल्म है, इसका बजट ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का है। स्टोरी बहुत बेसिक है, लव स्टोरी है बेसिकली। रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट दोनों ही अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते, दोनों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर होती है, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के होते हैं। लाइक रणवीर सिंह छपरे टाइप का दिखाया, लाइक मैचो मैन वीडियो टाइप का, या वहाँ पर आलिया भट्ट क्लासी दिखाई है, पढ़ी लिखी काफ़ी हाई फाई वाली। इन दोनों के बीच में प्यार होता है एंड देन ये दोनों अपने अपने फैमिलीज के साथ चेंज करते हैं एक्सचेंज, ताकि समझ पाए कि आगे जाके इनका फ्यूचर हो सकता है कि नहीं साथ में। तो रणवीर सिंह आलिया भट्ट की फैमिली के साथ रहता है और आलिया भट्ट रणवीर सिंह की फैमिली के साथ रहती है। इसी के अराउंड कॉमेडी क्रिएट की जाती है। रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी कूल एंड स्वीट लव स्टोरी है, देखने में मज़ा आता है। कॉमेडी बहुत अच्छे से क्रिएट होती है, जो फैमिली कॉमेडी है वो बहुत फाड़ू तरीके से क्रिएट होती है। पर सेकेंड हाफ के बाद जो फैमिली ड्रामा शुरू होता है, जो इमोशनल एंगल्स आते हैं, वो आपको लगेगा कि थोड़े डाउनफॉल पर जा रहे, पर थोड़े टाइम के लिए होता है। जैसे फिल्म फिर से स्पेस पकड़ती है, नॉर्मली सब सेटल हो जाता है। फिल्म के अंदर गाने बहुत सारे, इतने गाने हैं कि आप अपना खुद का एक एल्बम क्रिएट कर सकते हो। बहुत फाड़ले, बहुत मतलब बहुत गाने हैं, पर कुछ चुनिंदा ही गाने आपको याद रहेंगे इस फिल्म में से, सारे के सारे नहीं। ये फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है कुछ टाइम पर, लेकिन आपको करण जौहर का जो कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों की याद दिला देगी ये फिल्म। इसके अंदर की लव स्टोरी बहुत अच्छी है, पर किसकी, जो ओल्ड लव स्टोरी दिखाई है ना धर्मेंद्र सर की, वो बहुत फाड़ू है। उसके बाद आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह की थी। इन दोनों को इससे पहले एड्स में देखा गया था, गली बॉय एड में, जहाँ पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट 5-6 सेकेंड के लिए केमिस्ट्री थी इनकी, पर ये प्रॉपर एक फिल्म है इन दोनों के साथ। तो ये फर्स्ट फिल्म बेसिकली पकड़ो जहाँ पर इक्वल टाइम दिए दोनों को। वहाँ पर मैं ये फिल्म बस यही सोच कर देखना चाहता था कि आलिया भट्ट एंड साड़ी, बट इसके अलावा भी फिल्म के अंदर कुछ है और वो है कॉमेडी, आप देखने में पागल हो जाओगे। फैमिली ड्रामा नाम दिया है, पर कुछ ऐसे सीन्स है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो आराम सोच समझ कर ये फिल्म देखने जाना। बाकी मैंने ये फिल्म आलिया भट्ट के लिए देखी थी ऑनेस्टली। बाकी मैं अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।